हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का इस वीडियो में यस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। इस बैंक अकाउंट को आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं फुल केवाईसी के साथ। फुल केवाईसी करने के लिए आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे मोबाइल से वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। अगर इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस अकाउंट ओपन करते ही इंस्टेंट आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी मिल जाएंगे। साथ में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इस अकाउंट ओपन करने का 10 से 15 दिन के अंदर आपका घर वेलकम किट चला जाएगा। वेलकम किट के अंदर पासबुक, डेबिट कार्ड आपका रहेगा। इस अकाउंट से आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग फैसिलिटी है सब यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस अकाउंट को थर्ड पार्टी ऐप्स में यूज करना, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, तो आप इस ऐप में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में यस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं इस अकाउंट को ओपन करना तो ये वीडियो पहले से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चले वीडियो शुरू करते हैं। यस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउजर पे या गूगल पे सर्च करें यस बैंक। जैसे ही सर्च कीजिएगा www.yesbank.in का एक लिंक सबसे ऊपर में मिल जाएगा आपको। उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यस बैंक का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज में आप आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड और NRI सेविंग अकाउंट है। आपको साइड में स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा इसल करना है और भी करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली, ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट के बारे में बहुत सारा डिटेल्स देख पाएंगे। और भी नीचे आना है, यहाँ पर आप देख पा रहे वेरियंट एंड प्राइसिंग। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है इस अकाउंट का, ठीक है। अकाउंट वेरिएंट का बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहां चेक कर सकते हैं। यहां पे हर चीज़ यहां पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले चेक कर ले इसको। फिर आपको क्या करना है, आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो ओपन योर यस डिजिटल सेविंग अकाउंट यहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो ऊपर में एक ऑप्शन है ओपन सेविंग अकाउंट नाउ, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपका जहाँ मन तहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम नीचे पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑनलाइन, ऊपर में लिखा हुआ है। नीचे आप देख पा रहे हैं फीचर्स ऑफ यस डिजिटल सेविंग अकाउंट। आप यहाँ पे जितना भी फीचर्स है सब देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल्स में सब दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है क्विक स्टेप फॉर अकाउंट ओपनिंग। आपको क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में देख पा रहे वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कीप योर आधार एंड पैन कार्ड हैंडी, ठीक है। आप ये पूरा चेक कर अच्छे से देख ले। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे देख पा रहे आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद कैप्चा कोड का एक ऑप्शन आएगा, इस कैप्चा कोड को नीचे फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करते ही आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, जो आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी जो है यहाँ पे हम देते हैं। नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। ये वेरिफिकेशन मेल हैज बीन सेंड टू योर आईडी रिहान खान, मतलब मेरा जो ईमेल आईडी वहाँ पे पहुँच गया है। प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड वेरीफाई टू प्रोसीड। आपको अपना जीमेल में जाना है। जीमेल में आपको मेल आया होगा यस बैंक से, मेरा देख पा रहे हैं यहाँ आ गया होगा। यहाँ पे जो लिंक है लिंक पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, फिर आपको उस पेज में चले जाना है। इस पेज में आप देख पा रहे हैं मेरा जो ईमेल आईडी था वो वेरीफाई हो चुका है। नीचे और एक ऑप्शन आ गया है, योर पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर है यहाँ पे वो फिल करना होगा। मेरा जो पैन नंबर है वो यहाँ पे फिल करते हैं। पैन नंबर फिल करते हैं, यहाँ लोडिंग हो रहा है। नीचे और एक ऑप्शन आ गया है आधार नंबर का, आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे वो फिल करें। मेरा जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल करते हैं। आधार नंबर फिल हो जाने के बाद नीचे आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स है, यहाँ पे आपको एग्री करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो बॉक्स ओपन हो गया है, इस दो बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं प्रोसीड का एक ऑप्शन है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे फुल केवाईसी फीचर का एक ऑप्शन है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे ओपन फुल केवाईसी अकाउंट, आपको फुल केवाईसी करना है। इसके लिए ओपन फुल केवाईसी अकाउंट है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स का एक पेज ओपन होगा, ऊपर में आपका फोटो रहेगा, उसके नीचे आपका नेम रहेगा, उसके नीचे नेम ऑन डेबिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड का नेम आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपका जेंडर सेलेक्ट करें, उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ दें, उसके नीचे आपका फादर नेम्स, उसके नीचे आपका मदर्स नेम, उसके नीचे सिटी ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन है, यहाँ पे वो सिटी देना है जिस सिटी पे आप जन्म लिए थे। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं एड्रेस डिटेल्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका दिया हुआ है जो आपका आधार कार्ड में है वहाँ से ले लिया है। उसके नीचे दो ऑप्शन है परमानेंट और अदर्स, अगर आपका करंट एड्रेस सेम नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ओके करें, यहाँ पे जो आपका करंट एड्रेस है वो फिल करें। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स दें जितना दिन से आप यहाँ पे रहते हैं। उसके नीचे नियरेस्ट ब्रांच डिटेल्स, आपका आसपास अगर कोई भी ब्रांच है यहाँ पे वो चेक करें, जो भी ब्रांच आसपास है यहाँ पे वो दिखाई देगा, वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे ऐड नॉमिनी डिटेल्स का एक ऑप्शन है, अगर आपको नॉमिनी डिटेल्स देना है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करें। उसके नीचे नॉमिनी का नेम देना है, उसके नीचे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके नीचे नॉमिनी का एज देना है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अगर सेम रहेगा तो करंट एड्रेस सेम रखें, नहीं तो अदर्स पे क्लिक करके जो नॉमिनी का अभी एड्रेस है वो फिल करना होगा। उसके बाद प्रोसीड है, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद कस्टमर प्रोफाइल का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है। उसके नीचे देख पा रहे रेसिडेंट टाइप, कि आपका खुद का है या रेंटल है या आपका कंपनी का दिया हुआ है या फैमिली के साथ हैं, तो आप जो भी हैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करें। उसके नीचे एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पे वो सेलेक्ट कर ले। उसके नीचे देख पा रहे ऑक्यूपेशन टाइप है, यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करें, आप जो भी काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड जो भी हैं। उसके नीचे देख पा रहे टाइप ऑफ कंपनी है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के हैं तो टाइप ऑफ कंपनी कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे है पीरियड ऑफ करेंट बिजनेस, यहाँ पे जो भी आपका मंच है वो दे सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम कर देते हैं 5 ईयर्स और 1 मंथ, ठीक है। उसके नीचे देख पा रहे हैं प्रोफेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो वो मंच है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है फीस सोर्स ऑफ फंड्स, यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, गिफ्ट, कमीशन, आपका बहुत सारे प्राइज मनी, आपको जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं एनुअल इनकम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जितना भी एनुअल इनकम है कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे रेफरल कोड का एक ऑप्शन है, अगर आपका रेफरल कोड है तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन पैटर्न, मंथली कैश डिपोजिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, आप कितना कैश डिपोजिट करना चाहते हैं तो आइडिया में दे दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं 2 to 10 lakhs कर देते हैं। उसके नीचे है कैश विड्रो का ऑप्शन, मंथली आप कैश कितना विड्रो करना चाहते हैं एक आइडिया में देना होगा। उसके नीचे फॉरेन का ऑप्शन है, अगर फॉरेन से आप लेन देन करना चाहते हैं, विड्रो या डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करें, नहीं तो नील भी कर सकते हैं, आपका जो मन चाहे वो कर सकते हैं, जो आपका जरूरत है वही करें। पूरा डिटेल्स अच्छे से फिल कर ले। उसके नीचे प्रोसीड है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू का पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा, जितना भी आप डिटेल्स फिल किए हैं पूरा डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगा।
जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, कस्टमर प्रोफाइल, हर चीज यहाँ पे दिखाई देगा। आप पहले पूरा डिटेल्स चेक कर ले, अगर सब ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए पेंसिल का आइकन है, पेंसिल का आइकन पे आपको क्लिक करना है, फिर जो डिटेल्स अगर गलती है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं सबमिट एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। नीचे एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा। ओटीपी वेरीफाई होते ही जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस पेज में आपको आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आप देख पाएंगे ज्वाइन फॉर वीडियो क्लासी नाउ का एक ऑप्शन है। आप अगर वीडियो क्लासी अभी करना चाहते हैं तो अभी वीडियो क्लासी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वीडियो क्लासी बाद में करेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं चेकलिस्ट फॉर रेफरेंस है, यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं पूरा। अगर आपको वीडियो क्लासी अभी करना है तो आपको क्या करना है, ज्वाइन फॉर वीडियो क्लासी नाउ है वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद वीडियो के ऐसे का पेज आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है, फिर आपसे यस बैंक का एजेंट ज्वाइंट होगा। वीडियो के ऐसे करने टाइम आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड रखना होगा और साथ ही में एक पेज रखना होगा, वाइट पेज, और एक पेन रखना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट कर ले। यहाँ पे आप देख पा रहे क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर वीडियो कैसे, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और आपका अलाउ भी कर लेना है। आपका लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा अलाउ करके रखना है। उसके बाद आपका वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको एजेंट जो जो पूछेगा आपको ठीक ठीक बोलना है। 2 मिनट के अंदर आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। आपका 48 घंटे के अंदर आपका ईमेल आईडी पे मेल चला जाएगा कंफर्मेशन का। आप अगर मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, फिर आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने के लिए कस्टमर आईडी और आधार नंबर देकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, फिर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो फिजिकल डेबिट कार्ड है और पासबुक है वो आपका घर में 10 से 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।